नेशनल हाईवे 205 चंडीगढ़ मनाली पर स्तवार घाट से करीब 3 किलोमीटर दूर डडवाल स्थान पर नकाबपोश बदमाश घर जा रही एक महिला के कानों की बालियां, मंगलसूत्र और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए हैं। घटना शनिवार देर शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है, जब डडवाल की महिला बस से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही थी तो पहले से ताक में बैठे नकाबपोश बदमाशों ने उसकी कान की बालियां, मंगलसूत्र और मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाश दो थे जो कि बाइक पर सवार घाट की तरफ फरार हुए हैं। सूचना मिलने के बाद सवार घाट पुलिस भी मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश के लिए जगह जगह नाके लगाए गए हैं और पुलिस के वाहन बदमाशों की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल दिन दहाड़े हुई इस घटना में क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। सवार घाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। मैं सवार घाट कपड़े की शॉप पे रोज जाती हूँ और जब मैं घर आ रही थी तो दो लड़कों ने मेरे को रास्ते में पकड़ लिया। उन्होंने मुंह बांधा था और मेरे ये देखो छीन के ले गए और मेरे गहने छीन के ले गए। क्या क्या गहने थे आपके? एक कानों के झुमके थे, मंगलसूत्र, फोन, पर्स। फोन भी था? हाँ जी, बस। मेरा नाम शीला देवी है, मैं सवार घाट में दुकान करती हूँ और मेरी बहू भी दुकान करती है। जैसे 4:45 बजे मैंने अपनी बहू को घर भेजा तो नील गगन बस में आई। जब बस से उतरी तो नीचे थोड़े 100 मीटर नीचे उतर गई तो वहाँ दो युवक आए और उन्होंने मुंह बांधे हुए थे और इसके कान की बालियां भी ले गए और मंगलसूत्र भी ले गए उठा के और इसका फोन भी ले गए और पर्स भी ले गए। और फिर उसके बाद हम पुलिस में गए और उन्होंने ऐसे आए थे, वहाँ देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हमें पुलिस वालों से भी सभी से यही प्रार्थना है कि उनका सभी को पकड़ा जाए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।